इट्स अ नेशनल लॉस. माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा. जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुश मिजाज इंसान बनाता है. बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं, और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे. आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर. इट्स अ नेशनल लॉस. माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा. जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुश मिजाज इंसान थे, और मे बी इट्स डेस्टिंड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवे. थैंक यू. बुक भी आपने लिखी थी, उसको लेकर किस तरह से उन्होंने कहा था, किस तरह से जोश बढ़ते थे आपके बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर? हाँ हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे, और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे. और मुझे याद है, जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे. एंड आई एम स्केर्ड बिकॉज आई वॉज वेरी पैम्पर्ड बाय माई फादर. वो ये भी बोलते थे कि मेरी बेटी और भी किताबें लिखेंगी. हाँ जी, देखते हैं. आई विश यू वुड डेयर टू सी दिस.